तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज है 30th ऑफ जनवरी। अभी टाइम हो रहा है 7 PM और मैं अभी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब अभी इस टाइम पे वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं और दीदी जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने। तो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स स्टार्ट अ व्लॉग एंड ना कुछ कंटेंट दिया जाए, तो इसलिए। और ये मतलब मैं शुरू में भी ये बोलना चाहूँगी कि नाउ अब से मतलब एवरी ट्यूसडे एंड लाइक एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे विल बी ब्रिंगिंग व्लॉग। हफ्ते में 2 दिन वीडियो आएगा 10 व्लॉग्स में, इसी चैनल पे आएगा। एवरी मंडे एंड एवरी फ्राइडे, तो स्टे ट्यून्ड एवरीवन। चोरी कर रहा है चोर, तुम क्या चोरी कर रहे हो? इधर से निकाल ले। वो देखो भागा भागा। ये व्यक्ति आपको कहीं मिले तो मुझे पुलिस को वो कर दे। मेरा भालू आज बैडमिंटन खेल रहा है। वो है 10 मिनट में 4 बार फेल होने वाला। भालू, ए भालू, 8 बार फेल हुए। चोर अपना फोन चुराने में कैसी चोरी? चोर चोर होता चाहे अपना चुराए चाहे पुराना दूसरे का चुराए। बात तो सही है। ये मेरा नया रिश्ता है गाइस, गद्दा नहीं बिछा गाइस। कहाँ बैठी है ये? मतलब ये मेरा नया बेड है गाइस, अभी अभी लॉन्च किया है, आपको भी चाहिए तो नहीं देंगे। कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत आरामदायक है गाइस, बिना गद्दा के ही। अभी ट्राई करो अपनी पेटी में। नीचे कंबल रखा है, बैग रखे, सामान रखे, उसके ऊपर बैठी हुई है। झोला जैसा दिख रहा हूँ गाइस, 4 कपड़ा निकाली है, 4ों में से 1 उठ कहती मेरे सामने आने है, मैं नहीं पहनूंगी। अब कपड़े काम नहीं, ऐसे कपड़े दिला दो, कोई कोलैब कर लो। कोई कोलैब कर लो। हाय गाइस, सोच रहे हैं गाइस आज यहीं सो जाएं। हाँ चल, मैं बंद करती हूँ। मम्मी, गाइस ज्यादा नहीं सोचो, मुंडी हटाओ और वो बंद हो जाए। मोए मोए, रुक जा, देखो सुनो, मोए मोए। शादी में आए थे, आए हैं बाहर, मतलब हाँ भाई आए हैं बाहर, जयमाला होना है और मैं जगह दिखाती हूँ। इतना धुआं धुआं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो ये वाला है देखो। रुको दिखाती हूँ, देख लो, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। हाय, नहीं आया, सॉरी। हाय, तुम्हारा मुंह शेयर करने की जरूरत नहीं, मेरा हाथ ऑलरेडी शेयर करा। बाय 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 बाय। सक्सेसफुली जिंदा लौट आए हैं बाहर से अंदर। नाक बहने लगी, मेरे हाथ ठंडे ठंडे हो गए, सबके हाथ पीले होते हैं, इसके हाथ ठंडे पड़ गए। मेरे हाथ सुनो, अरे भाई ऐसे सुन पड़ा है कि फोटो क्लिक कर रहे थे तो सेंसर उसका काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल ही, कि सेंसर काम कर रहा था। कितना मोटा मोटा लग रहा है, तुम मोटी हो गई। सर मैंने कॉल किया, भूल गया क्या? भैया देखो ये है, पैसा नहीं बताऊंगी, बाकी बहुत महंगा है, थोड़ा सा ऐसे प्लॉट करना चाहिए दादा। ये भी गए थे लेने, हम ही गए थे, ये नहीं मेरे कान नहीं, कान नहीं, कान नहीं, कान नहीं, कान नहीं। किस्मत से आज मेरा कान दर्द नहीं हो रहा है, मेरा पक गया है कान। भाई तेल लगा के खा लो, मिर्ची लगा के पक गया है। हाँ तो पक गया है, बस नमक डाल के खाने के लिए। अच्छा, नमक के पहले पक जाता है? बिना नमक के भी पकता है, क्यों? आलू बिना नमक के पकता नहीं है। लोग तुमको देखने में इंटरेस्टेड नहीं है।
सकते हैं इनको, जब बड़ी बहन को नहीं तो छोटी बहन को कैसे हो सकते हैं। The next day. तो गाइस मेरे कॉलेज में था ट्रेलर रिलीज एक मूवी का जो कि आने वाली है, उसका नाम है फेक बॉयफ्रेंड। तो इसका ट्रेलर मेरे कॉलेज में रिलीज हुआ था और सबसे पहले हमने देखा था, उसके बाद फिर वो लाइव गया था एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। तो उसकी कुछ क्लिप्स हैं जो वहाँ पे मस्ती हुई, एक स्टैंड अप कॉमेडी हुई थी हमारे सीनियर ने किया था, तो उसके कुछ क्लिप्स हैं, तो आप लोग वो जाके पहले एंजॉय करो। इवेंट्स पे मैं किसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, उनके लिए मैं तालियां बजाना चाहता हूँ, वो है आप सब। थैंक यू। फिल्म बॉलीवुड की शूटिंग हिमाचल प्रदेश, मुंबई और देश भर के बहुत सारे हिस्सों में हुई है। हमारे जो डायरेक्टर हैं वो बाहर से, प्रोड्यूसर बाहर से, म्यूजिक डायरेक्टर बाहर से, बाहर से मतलब इस जिले की सीमा रेखा से बाहर, प्रदेश की सीमा रेखा से बाहर। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये इवेंट यहां हो रहा है? फिल्म का ट्रेलर लॉन्च और पोस्टर लॉन्च मुंबई या किसी और शहर में ना होकर यहां हो रहा है। एनी गेस? कॉलेज से जानकारी है इस बात की? नहीं? No. Let me tell you. रीवा का एक बहुत होनहार कलाकार है तनिष्क शुक्ला। इस फिल्म का वन ऑफ द लीड एक्टिंग रोल, यानी कि लीड एक्टर, वो प्ले कर रहा है और तनिष्क भी हमारे बीच में यहां उपस्थित है। हमारे रीवा के लिए ये गर्व की बात है, हमारी माटी का एक लाल जो रीवा से निकल करके बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का, अपने कला का जलवा बिखेर रहा है। सो एक बार प्यार भरी आशीर्वाद वाली ताले एक बार जोरदार तनिष्क के लिए। पढ़ाई अपनी पूरी कर रहे हैं और आगे कुछ कुछ एम्बिशन है उनके दिमाग में कि हमें कुछ कुछ करना है, हालांकि अभी भी कर रहे हैं, पर पापा वो लोग मानते नहीं है कि अभी कुछ कर रहे हैं, दुख होता है, कोई बात नहीं। इनमें से कौन है जो एक अलग तरह का एम्बिशन बन करके रखा है कि मैं ये करना चाहता हूँ? इनमें से कोई है जो थोड़ा अलग सपने हैं जिनके? अच्छा, एक्टिंग में कौन ट्राई करना चाहता है? कोई है जिसने बचपन में सोचा रहा हो कि यार मुझे एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है? जैसे मैंने तो बालिका वधू सीरियल देखा था, तब मैं शायद 4-5 साल का रहा होऊंगा, मुझे भी लगा कि वो मम्मी मेरी बोलती थी वो लड़का ठीक है, जगदीश तो लड़की का नाम याद है? क्या था? आनंदी। नहीं, नाम है नहीं, हाँ हाँ, लड़कों को लड़की का नाम याद है? आनंदी। आनंदी, मेरी मम्मी कह रही थी, हमने उनको बोला मुझे एक्टर बनना है, मेरी माँ एक शब्द में उन्होंने कहा नचनिया बनोगे। होता है कभी कभी, नहीं समझा पाते हैं क्या करना है। आप में से कोई है जो थोड़ा अलग एम्बिशन है, उन्होंने घर वालों को समझाने की कोशिश की हो? अच्छा, मास कम्युनिकेशन के ज्यादातर स्टूडेंट हैं, एमजे के हैं, जर्नलिज्म के, जब बताए होगे एकदम सच सच बताना है, ठीक है? ऐसा हुआ है कि अगर आपने कहा है कि मुझे मास कम्युनिकेशन पढ़ना है, मास मतलब नॉनवेज जैसा कुछ समझा किसी के घर वालों ने? नो, सबके घर वाले वेल एजुकेटेड। पता है मैंने कहा मेरे बब्बा जी से कि मुझे मास कम्युनिकेशन पढ़ना है, उन्होंने क्या कहा? ये देखो, साफ साफ कह रहे यार, पूरा परिवार लग गया यहाँ वेजिटेरियन बनने में, तुम मास कम्युनिकेशन करोगे? ये भी कोई रिसर्च करने की चीज है? बहुत देर बाद समय लग गया मुझे उनको बताने में कि यार कुछ अलग तरह की पढ़ाई है, यहाँ फुटेज बड़ी मिलती है। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, अयोध्या गया था, वो बच्चन जी लोग सेल्फी नहीं दे रहे थे, तो मैंने निकाली माइक आईडी, वायरल कर देना इसको। साउंड का बड़ा असर पड़ता है। एक बार मैं एक रील देख रहा था, बड़ी कंफ्यूजिंग सी लाइन बोल रहा था, बड़ी कंफ्यूजिंग सी लाइन, क्या बोल रहा था ये समझ में नहीं आ रहा था, पर म्यूजिक बड़ा अच्छा लगा था, तगड़ा ऐसा लग रहा था उसको, म्यूजिक को सुनकर कोई फैक्ट वाली चीज आ रही है, बहुत
इमोशंस डाल करके रखे हुए बड़ी गहरी चीज बोलने जा रहा है। लास्ट तक समझ में नहीं आया क्या बोला, मैंने कमेंट खोला ये जानने के लिए कि बोलना क्या चाह रहा है। तो कमेंट में क्या लिखा था पता है? ऐसी वाहियात बात करूंगा, म्यूजिक ऐसा लगाऊंगा लोग सोचेंगे फैक्ट बोल रहा है। यही होता है, म्यूजिक लगा के वायरल करिएगा। टैलेंटेड है, कूट कूट के टैलेंट भरा है उसके अंदर, नाम नहीं रिवील करूंगा। वो मैगी बना लेती है, मैगी के अलावा चीज वाली मैगी बना लेती है, बना लेती ना चीज वाली, वो मटर वाली मैगी भी बना लेती है, तीसरी डिश वो आलू वाली मैगी भी बनती है उससे, बन जाती है आपसे भी बन जाती है, प्याज भी डाल लेती है वो, प्याज वाली मैगी उसके ऊपर, वो बटर चीज प्याज आलू टमाटर वाली मैगी बना लेती है, आप भी बना लेती हो? हाँ, उससे ना इसके अलावा और कुछ बनाते नहीं बनता, मुझे लगता है आप ही हो वो फ्रेंड। कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट, लेती हो क्या? बगल में पड़ोस में आपके, हाँ रोलो पहले। हाँ नहीं चाय, लेकिन ऐसे नहीं बोलते ना, चाय चाय। लीड एक्टर तनिष्क शुक्ला यहाँ पर स्टेज में उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। डायरेक्टर सैम डिसूजा सर यहाँ पर खुद उपस्थित हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर अंजू ढींगरा मैम यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ ही यहाँ पर उपस्थित हैं इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर दीपक गुप्ता जी। हम आप सबको यहाँ पर पा करके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम सब बहुत खुश हैं, जोरदार तालियों से एनर्जी के साथ में स्वागत करें। मुझे उस प्रोग्राम में आना था लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहुंचने में लेट हो जाऊंगा, इसलिए वर्चुअली आपसे जुड़ के आप लोगों से बात करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये बड़े गर्व की बात है कि रीवा के हमारे सोनार कलाकार तनिष्क ने इतने कम उम्र में बॉलीवुड में अपना स्थान बनाया है और जिन लोगों ने भी तनिष्क का सहयोग किया है वो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये फिल्म जो आज रिलीज हो रही है ये हमारे बिंदी के लोग इसको बड़े रुचि से इसलिए देखेंगे कि हमारे बिंदी का कलाकार इसमें एक्टर है। The next day. फेंक ये तुम्हारा है, मैंने कटोरा लेके मांगा है। तो बताओ क्या तैयारी है तुम्हारी? ये नहीं है, ये है, ये कोई बात नहीं डाल दीदी, कब तक कोई पेपर दे दोगी? कितने घंटे में हम लोग मिलेंगे वापस? जब मैं आना चाहूँ। आधे घंटे में सो गए रही है कति, अभी उठे। तो गाइस व्लॉग यहीं तक का था और अब हम मिलेंगे फ्राइडे को नए वीडियो के साथ, तब तक बहुत सारा प्यार देना। वैसे वीडियो एंड करने से पहले ये बता दूँ कि जो हमने ट्रेलर देखा था फेक बॉयफ्रेंड का, तो वो मतलब अच्छा था, उसको देख के इतना सस्पेंस है अंदर, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतनी क्यूरियोसिटी है, मतलब लिटिल लिटिल क्यूरियोसिटी है जानने की कि क्या है मूवी एग्जैक्टली, किस बारे में है, क्या चीज़ है, मतलब दिमाग मेरा घूम ही गया बिल्कुल से मुझे तो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।